गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा दूसरी की बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है सूरज नया सवेरा लाया। आप सब बच्चे अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाएं, जहाँ पर भी हम क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन करेंगे, आप उनके आंसर नोट कर लेना। सूरज अपनी धरती पर नया सवेरा लेकर आया। अब देखिए, जब सुबह के समय सूर्य उदित होता है तो सब के मन में एक अलग से ही खुशी आ जाती है। चारों तरफ लाल रंग बिखर जाता है, ठीक है। लाल लाल रंग बिखराता, सबको हर्षाता आया। सूर्य की लाल प्रकाश से चारों ओर लाल रंग बिखर जाता है, और यह मौसम या वह सुबह का जो दृश्य होता है वो हम सबको हर्षाता है या हमारे मन को मोह लेता है। पंछी निकले नील गगन में बना बना अपनी टोली। पंछी यहाँ पर पक्षी होता है। निकले नील गगन में, नीले आसमान में पंछी नीले आकाश में निकल पड़े हैं। बना बना अपनी टोली या समूह में पंछी जो हैं सुबह के समय निकल पड़ते हैं अपनी अपनी टोलियां बनाकर। लगी गूंजने आसमान में उनकी प्यारी मीठी बोली। और सुबह के समय जो पक्षी हैं उनकी आसमान में ची ची की आवाज़ गूंजने लगती है। वह आवाज़ जो होती है उनकी बहुत ही प्यारी लगती है। फूल खिले हैं सुंदर सुंदर, रंग रंग के प्यारे प्यारे। जब सुबह सूर्य उदित होता है तो सभी फूल जो है खुशी से या प्रसन्नता से खिल उठते हैं। उनका जो दृश्य होता है उसमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और अलग अलग रंगों के सभी फूल बहुत प्यारे लगते हैं। बहती मंद समीर निराली, बहती मीन्स चल रही है, मंद मीन्स धीमी, समीर मीन्स हवा और निराली मीन्स अनोखी। बहुत ही धीमी धीमी अनोखी हवा जो है बह रही है, जिसमें झूम रहे सारे। इस ठंडी हवा में हम सब झूमने लगते हैं या खुश हो जाते हैं। अब अपनी बुक का जो है अगला पेज पलटते हैं। यहाँ पर हमारे शब्दार्थ आते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है और अपनी कॉपी में इनको नोट करना है। सबसे पहला है हमारा सवेरा। सवेरा का अर्थ होता है सुबह। हर्षाता का अर्थ होता है खुश करता हुआ। पंछी का अर्थ होता है चिड़िया। नील का अर्थ होता है नीला। गगन का अर्थ होता है आसमान या आकाश। टोली का अर्थ होता है झुंड या समूह। मंद का अर्थ होता है धीमी। समीर का अर्थ होता है हवा। निराली का अर्थ होता है अनोखी। रंग रंग के, कई रंग के या अनेक रंग के। अब नीचे हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे। ये जो यहाँ पर श्रुत लेख दिए गए हैं, आप अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उन्हें अपनी बुक देकर कहें कि आप ये शब्द बोले और हम इनको कॉपी में नोट करेंगे। बगैर देखे आपको ये शब्द लिखने हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं बुक के। आप सब जब हम इनको पढ़ेंगे तो अपनी अपनी कॉपियों में इनके उत्तर लिखो। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, सूरज किस समय निकलता है। सूरज किस समय निकलता है, इसका उत्तर आएगा सूरज सुबह निकलता है या सुबह के समय निकलता है। प्रश्न नंबर दो है हमारा, सूरज निकलने पर लोग क्या क्या काम करते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, सूरज निकलने पर लोग क्या क्या काम करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा सूरज निकलने पर लोग अपने घरों के ज़रूरी काम करते हैं। प्रश्न नंबर तीन है, सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है। सवेरा होने पर चिड़िया क्या करती है, इसका उत्तर आएगा सवेरा होने पर चिड़िया मीठे गीत गाती है।
अब नीचे आते हैं हमारे और भी क्वेश्चन। सूरज किसको हर्षाता आया है, सूरज किसको हर्षाता आया है। यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा सूरज सबको हर्षाता आया है। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है, आसमान में टोली बनाकर कौन निकले हैं, इसका उत्तर आएगा पंछी। अब हमारा जो अगला पेज है उसे पलटें, इसमें एक प्रश्न और रहता है हमारा, हवा में कौन झूम रहे हैं, इसका उत्तर आएगा हवा में सारे झूम रहे हैं। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें हम निशान लगाएंगे पढ़ के। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है, सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है नीला, पीला या लाल, तो हमारा कौन सा उत्तर आएगा, लाल। आसमान में किसकी बोली गूंजने लगी, अब ऑप्शन में हमारे हैं चिड़ियों की, बच्चों की या बादलों की, तो किसकी गूंजने लगी थी, चिड़ियों की। तीसरा हमारा प्रश्न है, कितने रंगों के फूल खिलते हैं, पहला ऑप्शन है एक रंग के, दो रंग के या अनेकों रंगों के, तो इसका उत्तर आएगा अनेकों रंगों के। अब नीचे जो है ये पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की, आपको आपने पीछे जो कविता अभी हमने पढ़ी है उसमें से देखकर इसको भरना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या आएगा। अब देखो, निकले नील खालिस्तान में, तो यहाँ पर आएगा पंछी निकले नील गगन में। आगे आएगा बना बनाकर अपनी टोली, उसे आएगा लगी गूंजने आसमान में उनकी प्यारी मीठी बोली। ये लिखना है हमें पीछे से देख के, ठीक है। अब हमारे नीचे है सही मिलान हमें करने हैं, नया को हम किससे जोड़ेंगे, सवेरा से, लाल रंग, नील गगन, मीठी बोली, और मंद का क्या आएगा, समीर, मंद का क्या आएगा, समीर। अब हमारा ये जो पाठ है यहीं पर कंप्लीट होता है, आगे हम जो सेकंड लेसन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।